से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नमस्कार, मैं प्रांशु मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास शो गेस्ट इन शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हुए हैं जिन्हें परिचित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने 2005 से मेडिकल क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा हार्ट से संबंधित मरीजों का इलाज किया है नॉन इन्वेसिव अर्थात बिना चीरफाड़ किए ईईसीबी पद्धति से। तो मैं स्वागत करती हूँ इनविशन स्टूडियो में डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर डॉक्टर सचिन देवहारे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना इतना कीमती समय हमें निकाल कर दिया, सो थैंक यू। मैं डॉक्टर सचिन देवहारे, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट मुग्धा ईईसीबी हार्ट केयर सेंटर। मैं 2005 से एक जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, 2005 से ही हार्ट के फील्ड में काम कर रहा हूँ। स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम अवंती इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां से मैं कार्डियक फील्ड में ही अभी तक काम करते आ चुका हूँ। पिछले 2005 से मैं अप्रोक्सीमेट लाखों से तो मैंने पेशेंट देखे हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव वे दोनों तरीके से मैंने हार्ट के पेशेंट ट्रीट किए हैं। जैसे आपने बताया कि 10,000 अप्रोक्सीमेट तो हाँ बिल्कुल मैंने किए हैं, तो हमको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव दोनों वे से। तो जब हमें इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमें बहुत से पेशेंट जो होते हैं जिनको एक्चुअली बाईपास या प्लास्टिक की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बिना चिरफाड़ के भी हम ट्रीट कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने इनहांस एक्समेट काउंटर पल्सेशन द्वारा जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो हमने अपना खुद का सेंटर स्टार्ट किया। सर, जैसे कि आपका मुग्धा ईईसीबी के हार्ट केयर सेंटर है, तो कई लोगों को इस पद्धति के बारे में पता ही नहीं होता कि ये पद्धति क्या है और कैसी होती है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बताना चाहूंगा, आज सुबह ही एक पेशेंट ने हमारे लोकमत में जो एड लिखा है वो देख के हमें कॉल किया। एक्चुअली उनका 2 बार एंडोप्लास्टी हो चुका है और 1 बार अभी बाईपास एडवाइस किया गया है। तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि सर बोलिए कौन सी नई पद्धति है जो जिससे आप हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीट करना। कई लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रीटमेंट है एनहांस एक्समेट काउंटर पल्सेशन, जिसको हम ईईसीबी थेरेपी बोलते हैं, ये कोई भी नई थेरेपी नहीं है। ये एक्चुअली कैन से इट्स अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट which is invented in 1960s in US. Okay. और उसको उसके बाद में US में अप्रूवल भी मिला, इसलिए हम लोग उसको USFDA अप्रूवल बोलते हैं। और ये 1960 से ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जैसे जैसे रिसर्च उस पर डेवलप होते रहे वैसे वैसे धीरे धीरे ग्लोबली वो सर्कुलेट होते गया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं पेशेंट्स को? कैसे? बट हाँ, जैसे पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट वेरी होता है। जैसे कोई पेशेंट अगर हार्ट अटैक आके वो अगर हॉस्पिटल पहुंच रहा है और उसका अगर हीमोडायनेमिक्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट जान जाने के चांसेस है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको बायपास या ईईसीबी दोनों भी ट्रीट नहीं कर एडवाइस नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में उनको जान बचाने के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है। तो डेफिनेटली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ऐसे पेशेंट के लिए एकदम कारगर है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते अगर पेशेंट की जान अगर उससे बच सकती है तो। बट पेशेंट अगर थ्रोम्बोलाइज हो गया है या स्टेबल होने के बाद अगर उसको एंजियोग्राफी करेंगे और उसमें ट्रिपल वेसल निकलता है या डबल वेसल निकलता है, पेशेंट हीमोडायनेमिक्स मेंटेन है, अंजाना फ्री है, उसको कुछ तकलीफ नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, चलने फिरने में तकलीफ नहीं है या छाती में भी दर्द नहीं है, फिर भी हम उनको एडवाइस करते हैं एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास। बट ऐसे पेशेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको ईईसीबी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जो हम ईईसीबी अगर ऐसे ट्रीटमेंट हम देंगे ऐसे पेशेंट्स को, तो वो अगले 5-6 साल 7 साल 8 साल। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट 2015 में उन्होंने ईईसीबी किया जिनको 2015 में बाईपास एडवाइस किया गया था बिकॉज ऑफ ट्रिपल वेसल डिजीज विद एलवी डिसफंक्शन, जिनका हार्ट का पंपिंग भी बिलो 30% था। ओके, बट ही चूजन दैट ईईसीबी थेरेपी एंड ही अलाइव फॉर लास्ट 9 इयर्स। तो अभी जो मेरे पास पिछले महीने ट्रीटमेंट करके गया है, तो 2015 से लेकर 2024 तक उन्होंने ये 9 साल बिना बाईपास के निकाले हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम हर पेशेंट को बाईपास ही कारगर हो सकता है, साबित हो सकता है, ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, जिनको तकलीफ नहीं है, ऐसे पेशेंट ने सर्जिकली ट्रीटमेंट होते हुए अगर वो नॉन सर्जिकली ईईसीबी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो अपने 5-10 साल आराम से निकाल सकते हैं।
तो सर जैसे कि अगर डॉक्टर किसी हार्ट पेशेंट को अगर बोलते हैं आप ओपन सर्जरी करिए या एंजियोप्लास्टी करिए, तो क्या वो ईसीपी पद्धति से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा अगर जिनको भी हम एडवाइस करते या हॉस्पिटल हॉस्पिटल पेशेंट जाता है तो उनको बाईपास या प्लास्टी एडवाइस किया जाता है हॉस्पिटल लेवल पे जी। लेकिन हम उनको अगर पेशेंट डर के मारे या फैमिली प्रेशर के कारण बेचारा उसको आईसीयू के बाहर ही नहीं भेजते, आपको अभी का अभी प्लास्टिक करना पड़ेगा बाईपास, अदरवाइज आप पेशेंट मर जाएंगे कि आपको करना पड़ेगा, फैमिली प्रेशर के कारण या डर के कारण वो लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। बट मैं ऐसे पेशेंट्स को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कोई भी सर्जिकल या इन्वेजिव टेक्निक अगर आप अपने हार्ट पे करना चाहेंगे तो उसके पहले नॉन सर्जिकल अगर ट्रीट हो सकता है तो आपने उसका इंफॉर्मेशन जरूर लेना चाहिए। और अगर ईसीपी से अगर वो पेशेंट ट्रीट हो सकता है तो हम बाईपास या प्लास्टिक अगले 5-10 साल के लिए टाल सकते हैं। तो सर ये ईसीपी पद्धति आप किस प्रकार से करते हैं, मतलब एंजियोप्लास्टी उसमें चेड़फाड़ करना पड़ता है लेकिन इसमें क्या किया जाता है? देखियो एंजियोप्लास्टी या बाईपास में हम लोग जैसे बोले चीरफाड़ करना, जैसे एंजियोप्लास्टी में हम लोग एक फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी से एक वायर डालते हैं, उसके अंदर बलून जाता है, बलून के ऊपर स्टेंट रहता है भी, वो जाके इन्फ्लेट होके फिर अपना जगह बनाता है, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे उसका प्लाक ढकेला जाता है और अपना फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये डेफिनेटली इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें जान जाने के चांसेस रहते हैं। बाईपास तो हम छाती फाड़ के ऑपरेट करते हैं जिसको, हम ले लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, तो जब वो ऑपरेट करेंगे इतना तो जानकारी बना ही रहता है। सर ये इस पद्धति से क्या हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, पोस्ट ऑप केयर कोई भी थेरेपी के बारे में बहुत जरूरी होती है, अगर वो प्रॉपर नहीं मिले तो बाकी ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, जान जाने के चांसेस, हम जिसको मॉर्बिडिटी भी बोलते हैं जी, कुछ कॉम्प्लिकेशन आना या मॉर्टेलिटी जिसको हम डेथ भी बोलते हैं, बिल्कुल वो रह सकता है। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जो ईसीपी से नॉन सर्जिकली ट्रीट किए जा सकते हैं, वो सिंपल वे से ट्रीटमेंट होता है। इसमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या होता है ट्रीटमेंट, पहली बात कैसे होता है वो भी नहीं पता, और होने के बाद एक्चुअल मैकेनिज्म हार्ट के साथ क्या होता है वो भी नहीं, वो तो कुछ डॉक्टर्स भी है जिनको भी एक्चुअल पता नहीं कि ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली हार्ट के साथ कैसा होता है, तो इस कारण वो अवेयर नहीं है और इसलिए एडवाइस नहीं कर पाते। शायद उन्होंने अगर प्रॉपर वो एडवाइस कर पाएंगे, कई डॉक्टर नहीं देते डॉक्टर्स लोग, तो डेफिनेटली ईसीपी पे अवेयरनेस और बढ़ जाएंगे और वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल चूज करने के लिए इजी हो जाएगा उनके लिए। जो बाकी ऑल ओवर यूरोप में ट्रीटमेंट होता है, अमेरिका में होता है, यूके में होता है, तो हर जगह वो पहले ईसीपी एडवाइस करते हैं। तो सर जैसे ईसीपी पद्धति हार्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसी और दूसरे पार्ट्स हमारे बॉडी के पार्ट्स के लिए कर सकते हैं जिससे वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने पूछा कि एग्जैक्टली ईसीपी कैसा काम करते हैं, तो इसे सिंपल है, एक ईसीपी मशीन होता है जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है जी। उसमें पैरों में 3 कप्स बांधे होते हैं, एक काप मसल्स में, एक काप मसल्स में एक लोअर वाला जो होता है दोनों पैरों में वो बांधा जाता है, दूसरा थाइज में बांधा जाता है और तीसरा एब्डोमेन में बांधा जाता है जी। तो ये हार्ट के रिदम के साथ सिंक्रोनाइज होके जब हार्ट डायस्टोल फेज में होता है उस वक्त वो सिंक्रोनाइज होके नीचे से लेके ऊपर तक सिंक्रोनाइज होके वो कफ्स इन्फ्लेट होते हैं और लोअर लिम्स का जो ब्लड होता है वो रेट्रोग्रेडली हम हार्ट की तरफ पुश करते हैं जी। और डायस्टोल फेज में ही कोरोनरी फिलिंग होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो डायस्टोल फेज में aortic valve बंद होता है, हम लोग नीचे से जब ब्लड ऊपर प्रेस करते हैं रेट्रोग्रेडली, तो aortic valve बंद होने के कारण उसका फ्लो कोरोनरी आर्टरीज में पुश होता है प्रेशर से जी। और अगर LV डिस्फंक्शन हो उसके कारण तो सेलुलर लेवल पर ब्लड पंप होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो ऐसे कंडीशन में हम मशीन के द्वारा प्रेशर से वो सप्लाई उसको हार्ट को देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट में ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस होने के कारण वो उसके ऊपर में जो फाइन वेसल्स होती है जो हर सबके बॉडी में है, आपके है, मेरे है, हर पेशेंट के है, तो वो अगर हम ऊपर से प्रेस कर रहे हैं और नीचे से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लाक, तो बाजू वाले जो वेसल्स होते हैं कैपिलरीज उस पे प्रेशर आके वो डायलेट होते हैं जिसको हम कोलेटरल फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। तो ये कोलेटरल जब फॉर्मेट प्रॉपर एक साइज में आ जाते हैं तो ये जो मेन वेसल है अगर वो वहां से सप्लाई बंद भी हो गया तो कोलेटरल्स ऑटोमेटिकली वहां से सप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम नेचुरल बाईपास भी बोलते हैं। सर जैसे कि हम सभी नागपुर वासी जानते हैं कि आपको ईसीपी पद्धति में कई अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही साथ आपने नागपुर के अंदर कई कैंपस भी लगाए इसके लिए, तो आप इसकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों की ये किस प्रकार से होता है। देखिए 2008 से ईसीपी
के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक रिनाउंड अपने नागपुर के रिनाउंड हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट की जाती थी 2008 में, नामपुर में ले सकता हूँ कैमरा पे, बट एक अच्छे हॉस्पिटल में ही ये ट्रीटमेंट की जाती थी। और उनके साथ में मैं काफी कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, नॉलेज लिया, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं एसीपी ट्रीटमेंट एक अच्छा कारगर ट्रीटमेंट है जिसको हम नॉन सर्जिकल ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं और तब से ही मैंने इन्फॉर्मेशन लेके 2013-14 से हमने सेंटर स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे अभी यहाँ तक हमने ग्रो किया है। तो जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे हैं तो इस टाइप का, तो सर आपकी इस क्षेत्र में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप किस किस प्रकार से समस्या आई और आपने उसे किस प्रकार से टैकल किया वो हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं 2005 से कार्डियक फील्ड में वर्किंग हूँ, तो मैंने काफी नागपुर के सब रिनाउंड हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ। 2005 से मैं वर्किंग हूँ कार्डियक फील्ड में और 2008 से ईसीपी ट्रीटमेंट में भी वर्किंग हूँ, जो एक अपने नागपुर के रिनाउंड हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट होती थी। वहां से मैंने काफी इन्फॉर्मेशन गैदर किया ईसीपी के बारे में, काफी कुछ पढ़ा, बाद में प्रैक्टिकली मुझे जब ध्यान में आया, जब मैंने एक्सपीरियंस लिया कि हाँ कुछ पेशेंट जो ईसीपी से फिट होते हैं और वो ईसीपी से फिट होने के बावजूद भी अपने नेक्स्ट जो भी जर्नी है उनकी लाइफ की वो अच्छे से निकाल सकते, तो इसलिए मुझे ईसीपी ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट आने लगा और बाद में फिर मैंने भी सोचा कि हम ईसीपी में अब काम कर सकते हैं। तो 2008 से मैं ईसीपी फील्ड में हूँ, 2000 में कार्डियोलॉजी के अलावा मैं सीबीटीएस में भी काम करता हूँ, बाईपास सर्जरीज में मुझे अच्छे से पता है, मैं भी कुछ सर्जरीज में कुछ सर्जन के साथ काम करता हूँ, जैसे एक एज ए हॉबी बोल सकते हैं, तो मैं वो भी करता हूँ। और इस कारण मुझे जो सब बेसिक कार्डियोलॉजी CVTS और ईसीपी तीनों फील्ड का नॉलेज होने के कारण मैं ईसीपी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कंसीडर करता हूँ। तो इस टाइप का हमारा एक जर्नी रहा है। 2012-13 से मैंने इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया है और रिसेंटली हमने एक नया सेंटर जो ओपन किया है जो मुग्धा एसी हार्ट केयर सेंटर, नागपुर के अंदर सभी वासियों जानते हैं कि आप हर साल ईसीपी इस पद्धति के लिए कैंपस लगाते हैं, तो वो कैंपस किस प्रकार से होता है, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। तो ये ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस के लिए तो मैं काफी कुछ जैसे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखना है, हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ अवेयरनेस के हिसाब से कुछ आर्टिकल्स करता हूँ, इसके साथ साथ में जो आप बोल रहे कि कुछ कैंप्स वगैरह लगाते हैं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस के हिसाब से मैं महीने दो महीने में एक कैंप हम रखते हैं रेगुलर, जिस तरह हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को नॉलेज भी देते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जिसमें जनरल कार्डियक टाइप का ही कैंप होता है। और एक एक कैंप होता है कि जैसे एग्जांपल हम कोई पेशेंट अगर हमारे पास ईसीपी से ट्रीटमेंट लेता है तो सच में उसको रिजल्ट मिला या ना मिला डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी कुछ जरूरी पड़ता है, तो हम उसके लिए 3D वैस्कुलोग्राफी एक कैंप होता है जो हम हर महीने में रेगुलर तरीके से करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को ईसीपी के बारे में अगर उसको रिजल्ट मिला है उसका फ्लो बढ़ा नहीं बढ़ा कोरोनरी फ्लो वो हम सब उसमें देख सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन इन्वेस्टिगेशंस है और मोस्टली ईसीपी सेंटर्स में होती ही है पोस्ट हमारे यहाँ नागपुर में, फॉर्चुनेटली सिर्फ मेरे पास ही होती है ट्रीटमेंट जो मैं डॉक्यूमेंट्स विसाइड नागपुर के अंदर सिर्फ आपके पास होती है। नागपुर में ये 3D वैस्कुलोग्राफी का जो भी हम कैंप अरेंज करते हैं ना फॉर्चुनेटली ये मेरे ही सेंटर पे होता है वन एंड हाफ मंथ में एक बार। ओके ओके, तो उसमें हम जो कैंप्स में हम जो पेशेंट्स हमारे रेगुलरली रहते हैं उनके तो इन्वेस्टिगेशन हो ही जाते हैं, साथ साथ में अगर किसी को अपने हार्ट का स्टेटस जानना है कि हमारा हार्ट में हमारा कोरोनरी फ्लो चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना परसेंट चल रहा है, कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन से वेसल्स में क्या कितना परसेंट ऑक्सीजन जा रहा है नहीं जा रहा है, वो पूरी जानकारी वो इन्वेस्टिगेशन में मिलती है। तो वो हम लोग पेपर में अगर न्यूज डालते हैं तो कुछ नए पेशेंट भी हमको मिलते हैं स्पेशली कैंप के हिसाब से। वो जो पेशेंट मिलते हैं वो एक कैटेगरी की या एक ही एज के होते हैं कि सभी? नहीं, जैसे हम बोलेंगे अगर आपको भी अगर आपका वैस्कुलोग्राफी करके आपका हार्ट का अगर जानना है कि मेरा कार्डियक वाइज स्टेटस कैसा है, फ्यूचर में मुझे हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, अभी मेरा फ्लो अच्छा चल रहा है, तो आप भी करा सकते हो। उसमें एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली 25 आज तो हार्ट अटैक का कुछ एज ही नहीं रहा, 30 प्लस हार्ट अटैक आने के चांसेस हमने काफी पेशेंट भी हमने लॉस किए हैं, काफी सेलिब्रिटीज लॉस किए हैं, बिल्कुल, तो वो सिर्फ पेशेंट जो एक्सपायर हुए हार्ट अटैक के कारण ही है, तो हम ये सब चीजें हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमको आज की तारीख में हमारा मेरा हार्ट का स्टेटस क्या है अगर मुझे पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग मुझे
ट्रीटमेंट लेने के लिए इजी हो जाएगा। ट्रीटमेंट अगर मैं फुल टाइम पे ले लूंगा तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर हार्ट अटैक आता भी, अगर फॉर्चुनेटली इसी पे ट्रीटमेंट मैंने लिया तो मेरे पास कोलेटरल्स बने रहेंगे। वेन वेसल अगर बंद भी होगी तो कोलेटरल्स मैनेज कर लेंगे। मुझे हार्ट अटैक आने के बाद मेरे कम से कम कार्डियक डेथ तो ना, मतलब हार्ट अटैक आने के बाद भी अगर हम ईसीपी पद्धति से करवाते हैं तो फिर उसके चांस कम हो जा सकते हैं। हम प्रिवेंटिव भी अगर ईसीपी करते हैं तो हम हार्ट अटैक आने के बाद हमारी जान जाने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेटरल डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि अगर मेन वेसल बंद भी हो गया तो कोलेटरल वेसल से अगर ब्लड सप्लाई चल रहा है तो हार्ट को कहीं ना कहीं से ब्लड मिल रहा है और हार्ट सडन वीटीवीएफ में या फिब्रिलेट ना होते हुए वो काम करना, पंपिंग भले ही थोड़ा कम हो जाए बट पंप काम करना बंद नहीं करेगा। अगर हमारा डेथ एक्चुअली इसीलिए होता है कि कोलेटरल्स हमारे हार्ट में नहीं रहते हैं और सडन उसको जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वो रिदम बिगड़ जाता है और वीटीवीएफ में जाके मोस्टली सडन कार्डियक डेथ होती है। तो वो डेफिनेटली हम अगर प्रिवेंटिव के लिए वैस्कुलोग्राफी टेस्ट करेंगे तो वो हमारा एक अच्छा स्कोप हो जाएगा हार्ट के हिसाब से कि हमको ट्रीटमेंट की जरूरत है या ना है ये देखने के हिसाब से। और फॉर्चुनेटली अगर हमने ट्रीटमेंट ले लिया तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, आएगा तो डेथ नहीं होगी ना। तो उस हिसाब से हम यंग पेशेंट में भी और जो हार्ट के पेशेंट है जिनका बाईपास हुआ है, जिनका प्लास्टी हुआ है या जिनका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उनका फ्लो कैसा चल रहा है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। सर जैसे कि नागपुर के अंदर आपने बताया कि ईसीपी ये सिर्फ एक ही सेंटर आप ही कर रहे हैं यहाँ पे और इसके कारण आपको इसके लिए कई अवार्ड से नवाजा गया है, कई आपको अवार्ड मिले हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए जब से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ तो रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है डेफिनेटली। मैं कुछ एड्स भी चलते हैं, रेडियो पे चलते हैं, बाकी न्यूज़पेपर्स पे चलते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं तो डेफिनेटली रिकॉग्निशन होता है। तो अगर हम नागपुर में कोई पर्सन अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उनको अवार्ड से भी नवाजाता ही है। तो मुझे यूसीएम की तरफ से भी मिला है अवार्ड, बीसीएम की तरफ से भी मिला है अवार्ड, रेडियो एफएम 92.7, 91.1 तो हर चैनल से मुझे और हमारे मेडिकल जो एसोसिएशन से वहां से भी अवार्ड से नवाजा गया है। साथ साथ में अभी रिसेंटली मुझे नागपुर उद्योग भूषण अवार्ड से भी कॉल आया था, वहां से भी अवार्ड मिला है। तो रिकॉग्निशन के कारण वो अभी आज मिल रहा है अवार्ड फॉर्चुनेटली, तो अच्छा लगता है। हम तो यही चाहेंगे कि आपको और अवार्ड मिलते जाए और इस क्षेत्र में आप अच्छा करते जाए। मैं अवार्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पेशेंट के अवेयरनेस के हिसाब से और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर एज एक कार्डियोलॉजिस्ट आप हमारे दर्शकों को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि आपको कैसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए या कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स आ रही है या बढ़ रही है तो वो कैसे कम हो? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं अच्छे से बताऊंगा इसे। देखिए अगर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर मैं आपको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी करके अगर मैं आपको कुछ एडवाइस करूं तो मैं बोलूंगा आज सबको ही, यानी यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन, अगर आपने अपना दिन 888 के फॉर्मूले से अगर डिवाइड किए 24/3 है ना, 24 घंटे में अगर 8-8 घंटे का हमने उसको तो 8 घंटा आप इसेंशियली आपको सोना है तो आपका बॉडी को रेस्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट जितना कर पाएंगी उतना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, हार्ट भी अच्छा ही काम करेंगे। बचे हुए 8 घंटे है जो अपने सबको ही जीना है, जीने के लिए पैसा लगना है तो हम अपने जो 8 घंटे है वो हम अपने काम के लिए लगाएंगे। जी बिल्कुल। और बचे हुए जो 8 घंटे है उसमें से 4 घंटे हम फैमिली को कंपलसरी देना है और 4 घंटे हम पर्सनल, जिसमें हम आपका मॉर्निंग वॉक हो गया, आपका जिम हो गया, खुद के हेल्थ के हिसाब से जो हमको करना है जी, ना उस हिसाब से हम उसमें से 4 घंटा खुद के लिए रखें और रिमेनिंग 4 घंटा डेडिकेटेड टू फैमिली। अगर ये आप 888 के फॉर्मूला से चलोगे तो मुझे नहीं लगता आपका हार्ट अटैक गया है जी। कई लोग ऐसे होते हैं कि काम इतना उलझ जाते हैं या स्ट्रेस इतना हो जाता है कि उसके कारण भी कई बार हो जाता है। 888 का फॉर्मूला बहुत अच्छा है जी, सबको फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है एज क्राइटेरिया। जैसे छोटे बच्चे हैं वो 4 घंटा जागते हैं बाकी 20 घंटा सोते हैं, डेफिनेटली वो उनका बूढ़े बुजुर्ग भी 75-80 एज हो गया तो उनकी भी नींद चली जाती है जी, तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो यंग जनरेशन थे स्पेशली वर्किंग लोग जो स्ट्रेस के कारण जिनको हार्ट अटैक आ रहा है तो हम आज हार्ट अटैक यंग पेशेंट में आने के चांसेस हुई है ना, हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं मेरे पास ये गाड़ी है उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है, मेरा इतना पेमेंट क्यों है उसको उतना क्यों मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ गई है डेफिनेटली। तो ये इससे अगर हम बाहर रहे और ये 88 के फॉर्मूले में फिट हो जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्ट अटैक आएगा। जी बिल्कुल। फिर वो मोबाइल का हो या दारू का। जी बिल्कुल।
अगर ये सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बच पाएंगे। तो सर ये ईईसीपी पद्धति से कौन कौन क्राइटेरिया के लोग इसको ले सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं? ओके, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ईईसीपी ट्रीटमेंट एक प्रिवेंटिव भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हार्ट अटैक का कुछ एज नहीं रहा। हमारे कोलेटरल्स अगर प्रॉपर डेवलप रहे तो हमें हार्ट अटैक नहीं आ पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जाता है तो जैसे ही उनका एंजियोग्राफी हुआ, जिनको डबल वेसल बताया या ट्रिपल वेसल बताया गया, उनको डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी या बाईपास एडवाइस की जाता की जाती है। बट अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिनको जो स्टेबल है हेमोडायनामिकली, उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईसीपी के बारे में सोचना चाहिए। तो जो पेशेंट जो बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, फिजिकली उतना, मॉनिटरली उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उन्होंने ईसीपी चूज करना चाहिए। या कोई पेशेंट रीजन जो रिलीजन वाइज मुस्लिम है, वो अपने बॉडी को चिरफाड़ नहीं करना चाहता, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स है, तो अल्टीमेटली उनको तो कुछ ट्रीटमेंट लगेगा, ईसीपी से 101% ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो पेशेंट प्लास्टिक बाईपास करने के बावजूद भी 2-3 साल में मोस्टली स्टेंट बंद हो जाता है, तो एक बार हम स्टेंटिंग या बाईपास में गए ना, तो हम अभी रिसेंटली मैंने काफी पेशेंट देखा है जिनका स्टेंट अभी आज डाले हैं 1-2 साल में, पता है वो बताते 15 साल कुछ नहीं होगा, बट 2-3 साल में स्टेंट बंद होने के बहुत ज्यादा रहता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, बुक्स बोलते हैं, रिपोर्ट्स बताते हैं, तो रिपोर्ट वाइज 3 साल हम लोग कंसिडर करते हैं स्टेंट का। तो अगर वो बार बार अगर स्टेंट बंद हो रहा है, बॉडी टेंडेंसी बोलो या एनी रीजन, या ग्राफ्ट उनके बंद हो रहे हैं, जिनको फिर से रीड्यूसिए बोलते हैं, जो फिर से रीऑपरेट करना जिनको एडवाइस किया गया, या फिर से स्टेंट डालना इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस होने के कारण, तो ऐसे पेशेंट ने भी अगर सेकेंड टाइम ईसीपी किया तो उनको रीस्टेनोसिस में स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती या रीडू ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीडू ऑपरेशन, रीडू बाईपास, ऑलरेडी बाईपास ही तो काफी बोल सकते हानिकारक नहीं बोलेंगे, बट एक जान जाने के चांसेस रहते हैं, जो डर के कारण लोग काफी अवॉइड करते हैं बाईपास करना। तो अगर जैसे पहला बाईपास जस्ट लाइक अस एक ऑरेंज ओपन जैसे करते ऑरेंज फीलिंग इजीली उसका छिलका निकल जाता है, बट रीडू ऑपरेट जब हम करते तो एक मौसम्बी को ऑरेंज इतना हम इजीली फील ऑफ नहीं कर सकते ना, मौसम्बी छिलना और संतरा छिलना इतना इजी नहीं होता, जी जी, तो उस टाइप का उसका डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है, मॉर्बिडिटी का भी और मॉर्टेलिटी का। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट काफी डरता है रीडू ऑपरेट करने के लिए, तो वो से पेशेंट्स हम हायर सेंटर में भी भेजते हैं बाईपास के रीडू ऑपरेट करने के हिसाब से। तो ऐसे पेशेंट में हम एडवाइस करते ही है, बट सिर्फ मैं करता हूँ ऐसा नहीं है, हम एशियन हार्ट हॉस्पिटल में आप मुंबई जाएंगे तो वो लोग भी आपको इसी का एडवाइस देंगे। मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट चल रहा है जिनके दोनों वेसल्स खराब है, वहाँ एशियन हॉस्पिटल गए, लीलावती, नानावती, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल, अपने यहाँ के सब हॉस्पिटल, सब जगह उन्होंने ईसीपी एडवाइस किया है। तो हम सिर्फ हमारे यहाँ के डॉक्टर्स नहीं करते, इसका मतलब दुनिया में कोई नहीं करता ऐसा नहीं है। एशियन हार्ट हॉस्पिटल में रेगुलरली डॉक्टर रमाकांत पांडा वो ईसीपी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जो पेशेंट जिनका एलवी डिस्फंक्शन है और बायपास करने के लिए आता है, तो उनका एलवी इम्प्रूव करने के हिसाब से प्री सीएबीजी भी उनको एडवाइस करते हैं ईसीपी थेरेपी, जिसके कारण उनका एलवी अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, उनका बायपास में जो मॉर्बिडिटी आना चाहिए फ्यूचर में उनको पोस्ट ऑफ केयर में, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो प्री बाईपास भी ईसीपी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, स्पेशल जिन जो एलवी डिस्फंक्शन वाले पेशेंट होते हैं वो, तो ऐसे कुछ पेशेंट और जिनका उम्र ज्यादा है, जो मरने को डरते हैं, तो ऐसे पेशेंट डेफिनेटली ईसीपी ही करते हैं। हाँ, क्योंकि तो कई लोगों का अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो वो भयभीत एकदम डर जाते हैं कि भाई कैसे करें हम, क्या ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर नॉन सर्जिकल उनको ऑप्शन मिला तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट वही चूज करते हैं। जी जी, तो इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं जो बाईपास नहीं करना चाहते, जिनका बाईपास हो नहीं सकता, और जब बाईपास करने के बावजूद भी जिनको रिजल्ट नहीं मिला, प्लास्टिक करना नहीं चाहते, प्लास्टिक हो नहीं सकता, या प्लास्टिक होने के बाद जिनको रिजल्ट नहीं मिला, ये तीनों क्राइटेरिया के पेशेंट ईसीपी कर सकते हैं, जिनके कारण उनका अगला 5-7 साल तो हम मिनिमम उनका लॉन्जिटिविटी कंसिडर करते हैं कि उनको अगले 5-7 साल कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो फिर से हम रिपीट करा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ी तो हम फिर से उसको उनकी लाइफ बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ही निकल सकते हैं। तो सर ईसीपी पद्धति इस ट्रीटमेंट को हम सिर्फ हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है?
ये ईसीपी ट्रीटमेंट में जो भी ट्रायल्स हुए हैं अभी तक, उसमें इनिशियली तो ये जो ट्रीटमेंट हुआ था ना, ये स्पेशली हार्ट के हिसाब से ही बनाया गया था, एनहांस काउंटर पल्सेशन, जिसका जिसका हम जिस कारण उसको यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है, एनएचएस यूके का अप्रूवल मिला है, सी यूरोप का मिला है, नेशनल ड्रग अथॉरिटी ऑफ चाइना इनका मिला है। तो काफी ट्रायल जो इनिशियली चले वो स्पेशली हार्ट के ट्रीटमेंट के हिसाब से ही चल रहे, बट उसके बाद में हम जब वो मार्केट ट्रायल जो बोलते हैं, जब एक थेरेपी या कोई मेडिसिन हमारा जब एक्चुअल में थेरेपी के लिए आता है और उस पे हम जो स्टडी लेते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उस पे हम जो स्टडी करते हैं कि इसका इफेक्ट और कहाँ कहाँ होता है, तो हम जो उसके बाद में जो ट्रायल्स उसमें ध्यान में आया कि ये जो प्रेशर होता है रेट्रोग्रेड प्रेशर, जो ब्लड हम पैरों से ऊपर हार्ट की तरफ पुश करते हैं, तो बीच में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको सब वो सर्कुलेशन प्रॉपर देता है प्रेशर से। तो जैसे हम इनिशियली फर्स्ट किडनी में उसका प्रेशर आता है, तो बहुत से सीकेडी पेशेंट्स में जो हमारे पास अभी भी चल रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली मेरे पास दो पेशेंट्स है जो सीकेडी में थे, जिनको बाकी ट्रीटमेंट भी सीकेडी के कारण इवन बायपास भी हाई रिस्क बताया गया था, तो उन्होंने ईसीपी चूज किया। तो आपको मैं दिखाऊंगा रिपोर्ट्स उसका, दो पेशेंट्स के जिनका क्रिएटिनिन 2.2 से 2.5 तक था, उनका हम ईसीपी के थेरेपी के बाद क्रिएटिनिन उनका कम हुआ 1.4-1.3 तक। तो इट कम्स इन अ नॉर्मल रेंज नाउ, और उसका यूरिन फिल्ट्रेशन प्रॉपर होने के कारण क्रिएटिन क्लियर हो गया है। हाँ, तो उसमें किडनी में अच्छा खासा उसका इम्प्रूवमेंट हम दिखा है, और प्रीवियस भी काफी रिपोर्ट्स है मेरे पास, जो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए उनका नॉर्मल रेंज में आ गया। फॉलोअप में कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका 1.2, 1.3, 1.4 यही रेंज में हमको बाद में भी उनका क्रिएटिन मिलता है, तो इसका मतलब ये किडनी में भी अच्छा काम करता है। उसके बाद में ऊपर हम पैंक्रियाज में भी उसका प्रेशर जाता है, तो पैंक्रियाज में जब हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल उनको मिलता है तो अल्फा बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां से इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपर आता है, मतलब डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट में भी अगर इंसुलिन आपका नॉर्मल सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया तो पेशेंट नीड इंसुलिन एक्स्ट्रा इंसुलिन और एनी अदर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जी, है ना। तो बहुत से ट्रीटमेंट पेशेंट का जो डोजेस होता है वो कम हो जाता है, मोस्टली पेशेंट को तो बंद ही हो जाता है, और इवन टैबलेट्स भी है ना, तीन तीन चार चार टैबलेट्स खाने वाले पेशेंट के हमने तो एक या आधे टैबलेट पे भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो किडनी में भी अच्छा काम कारगर है, उसके बाद इंसुलिन पैंक्रियास पे अच्छा प्रेशर आता है तो इंसुलिन सिक्रेशन होता है, तो डायबिटीज में अच्छा काम रोल होता है, रिनल स्टेनोसिस में भी अगर प्रॉपर रोल होता है जिसके कारण उससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो वो भी बीपी भी उनका काफी नॉर्मल रेंज में आ जाता है कुछ पेशेंट्स का। फ्लो अल्टीमेटली ब्रेन तक जाता है, तो कुछ स्टडीज में पार्किंसन डिसीज है, अल्जाइमर्स डिसीज है, उसमें भी इसके अच्छे जो बहुत खतरनाक डिसीज मानी जाती है, एट्रोपी के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को नहीं मिलता प्रॉपर, जी जी, उस कंडीशन में ब्रेन ढंग से काम नहीं करता, तो इसी इसमें भी ब्रेन अच्छा काम करना स्टार्ट हो जाता है, पार्किंसन या अल्जाइमर डिसीज जो होता है ओल्ड एज में, उसमें भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिला है। मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स है और साथ साथ में उसके काफी रिसर्च ट्रायल्स भी पब्लिश किए हैं। रिसेंटली जो मैंने अभी 4-6 महीना पहले एक पेशेंट किया था जिसको अनफॉर्चुनेटली 28 के एज में उसको हार्ट अटैक आ गया, एंड ही वाज एडमिटेड इन पुणे समवेयर, तो वहां पे उनको इमरजेंसी प्राइमरी एंडोप्लास्टी भी हुआ, काफी तक हार्ट बंद हो गया था लिटरली, हॉस्पिटल जैसे रीच हुआ वैसे, तो सीपीआर चला अराउंड 30 मिनट्स, तो 30 मिनट सीपीआर होने के कारण उसको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो गई थी, और उसके कारण प्राइमरी एंडोप्लास्टी सक्सेस हो गया, हार्ट रिगेन हो गया, पर वो उसका हार्ट में एलवी क्लॉट भी डेवलप हो गया, एलवी पंपिंग ड्रॉप टू 15-20% ओनली, तो ऐसे कंडीशन में वो 8-10 दिन वेंटिलेटर पे रहा, देन ही शिफ्टेड टू एम्स हॉस्पिटल नागपुर, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, 7-8 लाख खर्चा होने के बाद शिफ्टेड टू नागपुर एम्स। यहाँ पे लिटरली वो एक महीना एडमिट रहा एंड ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग, जस्ट उसके सामने जो उसकी मम्मी और पापा दो लोग थे, बस दो लोगों को पहचानता था, बाकी उसको दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं था, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ आल्सो, उसका नाम भी उसको नहीं पता था, सिर्फ मम्मी पापा सामने दिखते थे, मतलब कोमा की कंडीशन में मुझे धीरे धीरे जा रहा था, कोमा से बाहर आया था, फिजिकली हमारे सामने खड़ा था बट एकदम जीरो, उसके सामने कुछ भी नहीं, तो उस कंडीशन में हमारे पास वो ट्रीटमेंट आया है, ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो वो 15-20 डेज के ट्रीटमेंट में उसका एलवी पंपिंग अच्छे खासा इम्प्रूव होते हुए दिखा। लास्ट रिपोर्ट जो उनका हुआ है इको का, इट शोज हिज एलवी ईएफ इज 55-60%, इट्स अबाउट टू नॉर्मल नाउ, है ना। जो 20% एलवी के साथ आया हुआ पेशेंट, जो हमारे ट्रीटमेंट खत्म होते ही 55-60% एलवी पे नॉर्मल पे आ गया, उसके 7-8 दिन में ही उसका जो मेमोरी लॉस जो इशू था ना, वो धीरे धीरे वो वहां से बाहर आते गया,
और ट्रीटमेंट खत्म होते होते 85-90% तक वो पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गया। उसका हमने कुछ पेपर प्रेजेंटेशन भी दिया था, कुछ पेपर्स में वगैरह भी है उसका। तो बोलने का मतलब कि ईसीपी इनिशियली डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से कार्डियक ट्रीट करते हैं, और साथ साथ में उसका रिजल्ट आपको किडनी में दिखेगा, डायबिटिक पेशेंट में दिखेगा, हाइपरटेंशन में दिखेगा, अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में, और साथ साथ में हाइपोक्सिक इंजरी के कारण। मतलब एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है किसी भी डिजीज को। पेशेंट अगर जैसे इन्फार्क्ट, अगर वो किसी को सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो गया, ब्लड हो गया, और वो पेशेंट भी हमारे पास विद इन 3 मंथ्स अगर आता है तो वहां पे भी हम उसको इम्प्रूवमेंट दिला सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लेट हुआ तो आफ्टर 3 मंथ्स का नॉट गारंटी अबाउट दैट, बट डेफिनेटली इन विंडो पीरियड अगर आता है 3 महीने में तो हम उसको भी रिजल्ट हम सीवी में या जो लकवा बोलते हैं उसमें भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट आते हैं ना। तो ये बहुत से इवन आपके नॉलेज के हिसाब से मैं बताता हूँ, बहुत से जो ओलंपियाड से एथलेटिक्स होते हैं वो भी ट्रीटमेंट खुद का फिटनेस या सेलुलर लेवल पे सर्कुलेशन जाना चाहिए, उस वजह से वो भी इसी पे ट्रीटमेंट कराते हैं। वो हमको तो पता ही नहीं है, बट अंदर की बातें जो हमारे स्टडीज में आती है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो प्रिवेंटिव वे एक हेल्थ एक्सरसाइज के हिसाब से भी एसीपी अच्छा है जी, बाकी सभी ट्रीटमेंट से ईसीसी भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सचिन देवहारे, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। जिस प्रकार से आज उन्होंने हमें ईईसीपी पद्धति की जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ ईईसीपी पद्धति के बारे में जानने को मिला, और इसी तरह की अपडेट हमें ये देते रहेंगे, तो देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कार्मल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।